बात मौसम पर करेंगे क्योंकि मौसम का हाल बताना बेहद जरूरी हो जाता है। सबसे पहले मध्य प्रदेश के मौसम की अपडेट दे दें आपको। एमपी में झमाझम बारिश का दौर जारी है और भोपाल में तेज बारिश के आसार भी मौसम विभाग ने जता दिए हैं। वहीं जबलपुर समेत कई जिलों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। आपको बता दूं कि दो दिन बाद मॉनसून का सिस्टम कमजोर हो जाएगा, तो ये बड़ी खबर मिल रही है मध्य प्रदेश के मौसम से जुड़ी हुई, जहां पर लगातार मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। हालांकि पिछले दो दिनों में ब्रेक लगता हुआ प्रदेश की राजधानी भोपाल में नजर आया था, लेकिन अब भोपाल में तेज बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। जबलपुर समेत कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी भी मौसम विभाग ने दे दी है और दो दिन बाद मॉनसून का सिस्टम कमजोर हो जाएगा। बात करें अगर छत्तीसगढ़ के मौसम पर, तो छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर शुरू हो गया है। कई जिलों में रुक रुक कर हो रही है बारिश और पांच दिनों तक बारिश का अलर्ट रहेगा जारी। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ में भी कहीं ना कहीं थोड़ी फीकी पड़ती हुई बारिश नजर आ रही थी, लेकिन अब फिर से बारिश का दौर शुरू हो गया है। कई जिलों में रुक रुक कर हो रही है बारिश, तो वहीं पांच दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी रहेगा। आपको बता दूं मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। तो इस खबर पर अपडेट्स ले लेते हैं। मेरे सहयोगी अनमोल तिवारी रायपुर से जुड़ गए हैं मेरे साथ और विवेक पांडे भोपाल से जुड़ गए हैं। सबसे पहले विवेक आपका रुख करूंगी, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश में लगातार बारिश देखी जा रही है। 65% से ज्यादा बारिश अब तक हो चुकी है प्रदेश में, लेकिन पिछले कुछ दिनों बारिश फीकी पड़ती हुई नजर आ रही थी। अब आज का कैसा मौसम है, आने वाले दिनों में कैसा मौसम रहेगा? अंजलि, मौसम विभाग पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि पूरे अगस्त मध्य प्रदेश में बारिश होगी। खासतौर पर राजधानी में आज मौसम की बात कर ली जाए तो मौसम विभाग ने स्पष्ट कहा है कि राजधानी में भी बारिश होगी, लेकिन मूसलाधार बारिश के आसार फिलहाल नहीं है। लेकिन राजधानी में लगातार बारिश होने की वजह से भदभदा, कलियासोत और कोलार डैम के गेट खोले जा रहे हैं और आसार बन गए हैं कि अब केरवा डैम के भी गेट खोले जा सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मध्य प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र में आज ज़्यादा बारिश होने के आसार है। कटनी है, जबलपुर है, उमरिया है, शहडोल है, इन इलाकों में आज बारिश हो सकती है और राजधानी सहित करीब 14 ऐसे जिले हैं जहां पे हल्की बारिश के आज आसार है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरीके से जुलाई में बारिश हुई, पिछले साल की तुलना में मध्य प्रदेश में ज्यादा बारिश हुई है। 104% अधिक बारिश की बारिश हुई है, ये रिकॉर्ड मौसम विभाग ने दर्ज किया है। और सबसे दिलचस्प बात है कि राजधानी में जिस तरीके से बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया था मौसम विभाग ने, और खास तौर पे ये बताया था कि 15 अगस्त तक लगातार बारिश होगी, लेकिन फिलहाल मौसम थोड़ा सा यहाँ पे ठंडा पड़ा हुआ है। जो स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिवेशन की बात जो मौसम विभाग कह रहा था कि लगातार मध्य प्रदेश में और खासतौर पर राजधानी में मौसम स्ट्रांग बना रहेगा, लेकिन फिलहाल दो दिनों से यहाँ पे कम बारिश हुई है। बिल्कुल, दो दिनों से कम बारिश देखी जा रही है। बात अगर छत्तीसगढ़ की करें तो छत्तीसगढ़ का मौसम कैसा है और कैसा रहने वाला है अनमोल? देखिए अंजलि, पहले दौर का बारिश खत्म होने के बाद अब देखिए दूसरे दौर का बारिश शुरू हो गया है। और देखिए राजधानी में कल देर रात से ही जो है बारिश हो रही है, लगातार जो है कल रात भर बारिश हुई है। हालांकि मूसलाधार बारिश नहीं हुई है, लेकिन रुक रुक कर जो है थोड़ी देर में बारिश हो रही है और अभी भी देखिए बारिश जारी है। मेरे पीछे देखिए मरीन ड्राइव है, तेलीबांधा तालाब, इसका जलस्तर भी बढ़ गया है क्योंकि रात भर थोड़ी थोड़ी करके ही बारिश हुई है। इसके अलावा अगर हम मौसम की बात करें तो देखिए मौसम विभाग के तरफ से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो रायपुर और बिलासपुर संभाग है, जो मध्य छत्तीसगढ़ है, वहाँ पर अभी बारिश का दौर लगातार जारी रहेगा। और ये देखिए ये बारिश का दूसरा दौर है, तो अब कहीं ना कहीं इससे ये समझा जा सकता है कि जिस तरीके से पहले दौर में मूसलाधार बारिश हुई, बाढ़ जैसे स्थिति अलग अलग जगहों पर देखने को मिला, तो दूसरे दौर में भी अगले एक से दो दिनों में जो है बारिश देखने को मिलेगा और लगातार ये जारी रहेगा और बाढ़ जैसी स्थिति। चलिए ठीक है, तो सेकेंड फेज की बारिश छत्तीसगढ़ में देखी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम मौसम की अपडेट देने के लिए।